सोमवार को केंद्र सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर आयकर कानून में बड़ा संशोधन करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया था। मंगलवार को लोकसभा ने इस बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से इस पर चर्चा करने को कहा, लेकिन विपक्ष हंगामे पर अड़ा रहा। हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ने बिना चर्चा के कराधान विधि दूसरा संशोधन विधेयक 2016 को सदन से पारित करा दिया। The way all of you are behaving, it is impossible to have a discussion on this bill. So, honorable members will appreciate that this bill is required to be considered and passed by this house. Therefore, I put further motions in regard to the bill direct to the vote of the house. इस नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक 8 तारीख के बाद बैंक में जमा अघोषित आय पर पेनल्टी और सरचार्ज को मिलाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल 50% टैक्स देना होगा। इसमें अघोषित उपभोक्ता संपत्ति पर 30% टैक्स के अलावा 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज शामिल है। बाकी बची 50% रकम में से 25% को सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना में निवेश करना होगा। योजना में लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को 4 साल तक नहीं निकाला जा सकेगा। इस अवधि में धन जमा कराने वालों ने अगर जानकारी नहीं दी और आयकर विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि ये काला धन है तो उससे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85% की दर से वसूली की जाएगी। इसमें 60% की दर से टैक्स और उस पर 25% अधिभार लगाया जाएगा। साथ ही अगर जांच अधिकारी को उचित लगता है तो वो 10% जुर्माना भी लगा सकता है। तलाशी और जब्ती के मामलों में जुर्माने के लिए मौजूदा प्रावधान बदल दिए गए हैं। जब्ती के बाद अगर आय को स्वीकार कर लिया जाता है और उसका ब्यौरा दाखिल कर टैक्स का भुगतान किया जाता है तो ऐसे मामलों में टैक्स की दर 30% का जुर्माना लगाया जाएगा। अन्य मामलों में ये जुर्माना 60% की दर से होगा। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस योजना में आई राशि का उपयोग सिंचाई, आवास, शौचालय, बुनियादी ढांचा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और आजीविका जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा। अब लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा में जाएगा। क्योंकि बिल को धन विधेयक के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए इसे राज्यसभा में पारित कराना जरूरी नहीं है। हालांकि वहां से वापस बिल लोकसभा में आएगा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ डीडी न्यूज़।